तो ये इंटेक्स की होम थिएटर है, 2-in-1 है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझेंगे। तो प्रॉब्लम, हमने लाइट को इसमें दे रखा है, लाइट दे रखा है, लेकिन इसमें से आवाज़ नहीं आई। तो आप लोग बोलोगे कि भाई इसकी हो सकता है ऑडियो आईसी ख़राब हो, लेकिन नहीं, मैंने इसको रेडियो मोड में भी डाल रखे हैं, आप लोग देखिएगा, रेडियो मोड में मैंने डाल दिया, लेकिन फिर भी इसमें से आवाज़ नहीं आई। और आप लोग बोलोगे कि इसकी आईसी भी ख़राब होगी, तो इसकी आईसी भी सही है। प्रॉब्लम पहले ये देखो, जैसे इस पर हम मारते हैं वगैरह, मतलब कस्टमर की कंप्लेंट थी कि इस पर मारने पर इस पर आवाज़ आ रही है, तो हालांकि जैसे ही मैंने इसमें से मारा तो ये इसमें से आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई। आप लोगों को दिखेगा, अब फिर से मैं थोड़ा सा वॉल्यूम इसका डाउन था तो मैं इसका वॉल्यूम पूरा ऑफ कर लिया। अब सुनोगे, जैसे देखो अभी आवाज़ दे रही है, फिर से आप देखोगे इसकी आवाज़ ख़त्म हो चुकी है। फिर से इस पर हम मारेंगे, मतलब इस पर हम जैसे इसको मारते हैं तो इसमें से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो कस्टमर का ये प्रॉब्लम था, तो हमने इसको ओपन किया, तो ओपन करने के बाद अभी आवाज़ मिल रही है, ये देखोगे आप। तो इसकी प्रॉब्लम ऐसी है कि इसको मारने से आवाज़ आ रही है और कुछ दूर बजने के बाद ख़त्म हो जा रही है। तो इसकी आईसी से भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसकी आईसी पूरा टूटन है। अगर आईसी से प्रॉब्लम होती तो इसमें से आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आती। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, स्पीकर का है। क्यों? क्योंकि इसका स्पीकर डैमेज हो चुका है। इसका जो टर्मिनल होता है, वो टर्मिनल लेग इसका डैमेज हो चुका है, जिसके कारण से ऑडियो इनपुट इसमें प्रॉपर रूप से नहीं जा रहे हो। तो अगर आप स्पीकर बदलना चाहते हो तो स्पीकर आपकी बहुत महंगी हो जाएगी, क्योंकि 300 के समथिंग स्पीकर चली जाती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ट्रांसफार्मर को इसमें से साइड करेंगे, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर नहीं हटाएंगे तो हमारी स्पीकर इसमें से नहीं खुलेगी। तो अब ट्रांसफार्मर को खोलने के बाद में हमको स्पीकर सबसे पहले बाहर लेना होगा, क्योंकि हमको स्पीकर बदलनी नहीं है, क्योंकि अदरवाइज़ किसी भी कस्टमर के पास जाओगे तो डायरेक्टली बोलेगा कि इसका स्पीकर ख़राब है, आपको स्पीकर बदलना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हम स्पीकर नहीं बदलेंगे, और बिल्कुल फ्री में आपको अपने घर पर इस चीज़ को सॉल्व कर लेना है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके भी मतलब होम थिएटर के साथ आती है, वो आपका कोई भी होम थिएटर हो, जैसे अभी 2-in-1 हो सकता है, आपका बड़ा भी स्पीकर होगा, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वीडियो को अगर आप देखे रहोगे तो अपने होम थिएटर के प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो फटाफट से इसकी स्पीकर को हम जब तक बाहर निकालते हैं, तब तक आपकी एक दायित्व बनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। तो इंटेक्स का ही मतलब इसका स्पीकर है, अगर आप बदलते हो तो भाई स्पीकर महंगी आ जाती है, इसलिए आपको स्पीकर नहीं बदलनी होगी। जो मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, वो जुगाड़ अपने स्पीकर के साथ कर लेनी होगी। तो ये देखो, मैं आपका इसमें से मतलब 380 रुपये बचाने वाले हैं। तो अब ये हमारी स्पीकर निकल गई है सामने, प्रॉब्लम आपके स्पीकर की है। अगर किसी मैकेनिक के पास जाते हो तो डायरेक्टली आपका चार्ज करेगा कि आपके स्पीकर डेड है, आप स्पीकर को बदल दीजिए। लेकिन नहीं मेरे भाई साहब, आपको स्पीकर को थोड़ा सा ऐसे कर ले इस लेग को। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ छिपी है, अब मैं आपको समझा देता हूँ और बता देता हूँ। इतनी बारीकी और इतनी स्पष्ट रूप से शायद मैं आशा करता हूँ कोई नहीं बता पाएगा। ये देखो, ये जो वायर होती है आपकी लेग वायर, इसको बोली जाती है, टर्मिनल वायर भी बोली जाती है, लेग वायर भी बोली जाती है। तो ये लेग वायर इसकी ख़राब हो चुकी है। प्रॉब्लम इसमें वायर होते हैं, वो वायर आपकी टूट गई है, जो कि इसकी स्पंजिंग, जो कि ये स्पीकर स्पंजिंग करती है ना, वही प्रॉब्लम है। तो आप लोग बोलोगे कि भाई ये स्पीकर को भी चेंज, इस वायर को चेंज कर दो। तो मेरे भाई, वायर चेंज करोगे तो बहुत ही टॉप हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तो उतना जुगाड़ हो नहीं पाएगा। इसलिए आपको क्या करनी होगी, बस इस पर लगानी होगी आपको थोड़ा सा रंग, मतलब पेस्ट लगाएं और पेस्ट लगा दे आपको नीचे तक, यानी कि नीचे ये स्पीकर यहाँ तक होगी, यहाँ तक आपकी इस वायर में दोनों साइड में पेस्ट लगा दे। और पेस्ट लगाने के बाद अब आपको देखेगा कि हम इसमें कौन सी जुगाड़ लगाने वाले हैं। आपको हर एक स्टेप के आपको फॉलो करना होगा, अगर आप मिस्टेक करते हो तो शायद आप नहीं सीख पाओगे। तो अब देखो, अब मेन इंपॉर्टेंट होती है आपकी रंगा, तो सब किसी के पास होगा, तो बस आपकी आयरन इस पर फेर देनी होगी और रंगा आपको पूरे वायर में लगा देना होगा। तो ये आप देखोगे मैंने क्या किया, इसका दोनों की दोनों लेग पे आपको दिखेगा मैंने रंगा चढ़ा दिया। इस रंगा चढ़ाने से ले रही होगी कि आपकी यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी प्रॉपर बन चुकी है, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब इस फिर स्पीकर को उसमें फिटिंग कर दे, आपकी स्पीकर बजने के लिए तैयार हो जाएगी। जैसे पहले बज रही थी सेम अकॉर्डिंग वैसे ही बजने के लिए तैयार हो जाएगी। तो फटाफट से इसको हम इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। तो हमने इसकी पूरी इंस्टॉलेशन कर ली है, जैसे हमने कस वगैरह के सब कुछ
फाइनल। अब इसमें देते हैं हम सप्लाई। अब आप देखोगे इसमें कोई मारने और कोई धक्का देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस ये ऑटोमेटिक ही आपकी पूरी की पूरी बजने के लिए तैयार हो जाएगी हमारी। तो इस तरह से बिना किसी पैसा खर्च किए आप भी आसानी से अपना होम थिएटर को रिपेयर कर सकते हो। सारी की सारी जानकारी हम आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो कंटेंट आपके लिए लाने में। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आपका भाई प्रिंस।